ऐसा लग रहा है कि जब तक इन लोगों का नशा उतरेगा नहीं तब तक लोग नाचना बंद नहीं करेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑमलेट और ब्रेड। और इसके बाद हम चलते हैं जिम। दादी इधर चावल साफ कर रही है गाड़ी में और अब हम निकल रहे हैं सीधे जिम की तरफ। भुलैया गए थे, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि कल ज़्यादा व्लॉग बनाने का मन भी नहीं किया। और वैसे भी व्लॉग बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया था, 17 मिनट की 18 मिनट का व्लॉग हो गया था मेरा लगभग। सुबह सुबह जिम जाने का कभी कभी मन नहीं करता और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, पर आज हमारा मन जो है वो है कि आज ना जाते जिम तो ठीक रहता। पर अभी तो जिम पहुँचे भी नहीं और अभी से मन में ये ख्याल आ रहे हैं तो हम एक्सरसाइज क्या करेंगे, इसीलिए हम कुछ भी हो एक्सरसाइज जम के करनी है क्योंकि इधर बीच में बहुत लंबा गैप हो गया। हम आ चुके हैं जिम और अब आपसे मिलते हैं हम एक्सरसाइज करने के बाद। तो वर्कआउट अपना हो गया और अब हम निकलते हैं घर के लिए। कल हम अपने घर के लिए बैठे हैं आके अपने शोरूम पे और पापा कहीं गए हुए हैं तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पिंटू भी बैठे हैं। और आज शाम को हम लोग कुछ प्लान बना रहे हैं, अगर वो होता है तो ठीक है आपको बताएंगे हम। तो आपको मिलवाते हैं हम उससे, जो कल हीरो हमको एक मिला था अब आपको उससे मिलवाते हैं। आज वो हमको एक गाना सुनाने वाला है। ओ दिखाने आजा तू तो किसी और के मिलने के बहाने आजा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। सुन लिया हम इसका गाना और ये पूरा एकदम फुल है इस समय। ये हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो अब इसको हम खुलवा रहे हैं ताकि चेंज हो सके। ये अपना टायर जा रहा है गाड़ी का, ये ले जा रहा है। अपना खाना चावल दाल सब्जी सलाद और ये पिंटू भी खा रहे हैं और पापा भी आ गए अब खाना खाने। मम्मी सबको खाना खिला रही हैं, ऑमलेट और ये ब्रेड। ऑमलेट हमने बनवाया है ऑलिव ऑयल में अपने लिए क्योंकि अब जिम जा रहे हैं तो अब सब कुछ सही से और अच्छे से करना है। तो उस गाड़ी का हमने टायर सही कर दिया और इसका सामान इसमें वापस रख रहे हैं अब हम। तो निकल चले हम चिकन लेने के लिए और अपनी गाड़ी अब सही हो गई तो वो गाड़ी घर पे खड़ी और हम इससे जा रहे हैं। आज पापा हमारे बनाएंगे चिकन। तो हम आए थे चिकन लेने के लिए, चिकन ले लिए हम और अब चल रहे हैं घर। बाकी सब सामान हमने पापा से बोल दिया कि वो छोटे वाले भाई से मंगवा ले, हम बस चिकन लेके पहुंच रहे घर। इससे ज़्यादा खुशी अभी पहले नहीं हुई थी क्योंकि उस तरफ जाम है और हमारे तरफ बिल्कुल रास्ता क्लियर है और इधर जाम पूरा लगा। मिक्स करने जा रही हैं इसमें सब मसाले और सारी चीज़ें, तो हम सोचे थे कि पापा बनाएंगे पर इसको मम्मी बना रही हैं तो ये और ज़्यादा टेस्टी होगा। हमारा तैयार हो रहा है ग्रेवी वाला चिकन और इधर अब चिकन फ्राई होने लगा, मम्मी फ्राई कर रही हैं। अब देखते हैं हम लोग टेस्ट करेंगे कैसा बना है। ये तैयार हो गया हमारा चिकन और ये चटनी, ये टमाटर और ये नींबू, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप खाते हैं चिकन फ्राई हमने खा लिया और अब आ गया हमारा खाना, आपको दिखाते हैं अपना खाना। ये आ गया चिकन चावल बाटी और ये अपना सलाद और हम लोग सब लोग बैठे हैं खाने के लिए, ये पिंटू पापा और ये मट्ठू। खाना खा लिया हमने, खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। तो अब रात में आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ निकल गए गाड़ी लेके, रात में हम जा रहे हैं गाड़ी लेके, एक दोस्त को एक ज़रूरी पेपर देना है तो वो पेपर हम उसको देने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए रात में निकलना पड़ा वरना रात में मैं ज़्यादा निकलता नहीं। बज रहे हैं 11 और दूल्हे का पता नहीं और दूल्हे उधर किसी और के साथ ना भाग जाए क्योंकि ना बराती ना दूल्हा कोई है ही नहीं। पिछले 5 मिनट से हम इन लोगों का इंतजार कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं बेचारों को कि पी रहे हैं तो आराम से पी ले दूध सब। अब जब वो सारे हट गए तब हम गाड़ी लेके निकले अपनी। और आजकल शादियों का सीज़न है तो जिधर देखिए उधर हर तरफ शादी ही शादी और बारात ही बारात, लग ही नहीं रहा कि रात में 11:30 हो चुके हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि हम अपने घर के जस्ट सामने हों और बारात घर के जस्ट सामने आ गई हो। मेरे पास मेरी गाड़ी है वरना अभी तक मन तो कर रहा है उतर के हम भी नाचना शुरू कर दें, वही कहावत हो जाएगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इस जगह पैसा तो हम गाड़ी से उतर आए हैं और अब बराती देख रहे हैं उतर के। ऐसा लग रहा है कि जब तक इन लोगों का नशा उतरेगा नहीं तब तक लोग नाचना बंद नहीं करेंगे क्योंकि पिछले 15 मिनट हो गए हम एक जगह पे खड़े हैं, अभी हम बाहर उतरे थे और अब हम आके गाड़ी में बैठ गए पर ये लोग पता नहीं कब आगे बढ़ेंगे। वैसे भी जगह बना के हम निकल आए जाम से और अपनी गाड़ी हम यहाँ पे खड़ी कर दिए, ये पहली है दूसरी गाड़ी, वरना इन लोग के चक्कर में रहते तो हम फंसे रहते। हम आ चुके हैं घर और अब बजने वाले रात में 12, तो अब इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं पे ख़त्म और अब आपसे मिलते हैं हम कल अगले ब्लॉग में। तब तक जहाँ भी रहिए खुश रहिए मस्त रहिए और अपने भाई को ऐसे ही प्यार देते रहिए आप सब।